क्लास के पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम चांग ई फाइव मिशन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में चीन ने चंद्रमा के चट्टानों के सैंपल पृथ्वी पर लाने के लिए अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया। चीन के इस मिशन का नाम चांग ई फाइव लूनर मिशन है। ये मिशन क्या है? चीन द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए इस मिशन का नाम चीन की मान्यता के अनुसार चंद्रमा की देवी के नाम पर रखा गया है। चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नेतृत्व में ये मिशन चीन के हेनान द्वीप के वेंगचांग स्पेस लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। इस मिशन में ऑर्बिटर और लैंडर भी भेजे गए हैं। इसका उद्देश्य चंद्रमा पर स्थित मोस रमकर क्षेत्र की सतह से लगभग 2 मीटर की गहराई तक खुदाई करके 2 किलोग्राम चट्टानों के सैंपल को पृथ्वी पर वापस लाना है। चांग ई फाइव अंतरिक्ष यान के साथ रोबोटिक आर्म्स, फोर्निक ड्रिल और सैंपल चेंबर के साथ साथ कैमरा, पेनेट्रेटिव रडार और स्पेक्ट्रोमीटर भी भेजे गए हैं। चांग ई फाइव अंतरिक्ष यान के मिशन संपन्न करके 15 दिसंबर के आसपास पृथ्वी पर वापस आने की संभावना है। समझते हैं चंद्रमा की चट्टानों के बारे में। नासा के अनुसार चंद्रमा लाए जाने वाले चट्टानों के सैंपल चंद्रमा से संबंधित विज्ञान और खगोल विज्ञान को समझने में सहायक होंगे। इसके साथ साथ चट्टानों के सैंपल से चंद्रमा की उम्र, चंद्रमा के निर्माण, पृथ्वी और चंद्रमा की भू आकृतियों में समानता और अंतर तथा इतिहास को आसानी से समझा जा सकेगा। इसके अलावा चंद्रमा से प्राप्त चट्टानों के सैंपल की सहायता से सौर मंडल से संबंधित जानकारी भी प्राप्त की जा सकेगी। चंद्रमा से प्राप्त चट्टानों के प्रत्येक सैंपल और क्रिस्टल से चट्टानों के इतिहास की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। जबकि रेडियो एक्टिव क्लॉक से चट्टानों की उम्र का पता लगाया जा सकेगा। इसके अलावा चट्टानों के छोटे क्रैक्स से सूर्य के 1 लाख वर्षों की अवधि के विकिरण इतिहास को समझा जा सकेगा। चंद्रमा से चट्टानों के सैंपल सबसे पहले अपोलो 11 मिशन द्वारा इकट्ठा किए गए थे। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा पर पाई जाने वाली चट्टानें पृथ्वी की चट्टानों से भी प्राचीन हैं। इसीलिए चंद्रमा में पाई जाने वाली चट्टानें पृथ्वी और चंद्रमा के इतिहास को समझने में सहायक साबित होगी। एचई क्लासेस के नए पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।